वेलकम टू कबूतर मेनिया। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और एक अच्छे फन को एंजॉय कर रहे होंगे। जी दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि दिसंबर की शुरुआत हो चुकी है और मैंने भी कबूतर काफ़ी मुख्तसर कर दिए थे। अब ये सिर्फ चंद ब्रीडर पेयर्स रखे हैं मैंने और अल्हम्दुलिल्लाह इन सब का रिज़ल्ट मेरे पास बहुत अच्छा है। मोस्टली इनमें से टैडी हैं, माँ सिवाए एक पेयर के, बल्कि उसकी भी मादा टैडी है और नर जो है वो छत वाला है। ये देखिए, दाने का टाइम हो रहा है तो दाना इनको डाला है। मच्छरों की वजह से मैं इनको दाना अंदर ही डाल देता हूँ और दाना डालने के बाद ही मैं जाली जो है, बारीक जाली वाला दरवाज़ा जो लगाया है, वो बंद कर देता हूँ। अच्छा, हो इस तरह रहा है कि कम आने की वजह से डरने बहुत ज़्यादा लग गए हैं। मैं कुछ मसरूफियात की वजह से मेरा आना ज़रा कम हो गया है और इनका जो डरना है वो ज़्यादा हो गया है। बच्चे निकले हुए हैं माशाल्लाह दो पेयर्स के और तीसरे पेयर ने अंडे दिलवाए हुए हैं। देखें जी बच्चे, दूसरी तरफ ये माशाल्लाह बच्चे हैं, इन्हीं पेयर्स के हैं, तकरीबन 6-7 बच्चे हैं। बस ये इतना सा रह गया माल, बाकी सारे सेल कर दिए थे। पानी के लिए कंटेनर रखा हुआ है जी, सर्दियों में वैसे इसको निकाल दिया करना है रात को और सुबह फिर फ्रेश पानी इनको रखना है क्योंकि नज़ला इनको बहुत हो जाता है। दोस्तों ये जो 3 मंथ हैं ये ब्रीडिंग के लिए बड़े इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपके केज में मच्छर है तो फिर तो बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा आपको। मच्छरों से बचाव के लिए दोस्तों मैंने तो ये बारीक जाली का इंतज़ाम किया और जो केज है मगरिब से पहले बंद कर देता हूँ। बस यही एक तरीका है मेरे हिसाब से मच्छरों से बचाव का। इसके अलावा आप मोर्टिन का लिक्विड भी लगा के देख लें या जो कुछ भी कर लें, मच्छर ने आना ही आना है। ये माशाल्लाह जो पट्टी है जी, ये वाली, ये इस चीनी मादा की पट्टी है और माशाल्लाह इस पेयर का भी बहुत अच्छा रिजल्ट है मेरे पास। अब ये पट्टी एक ब्रीडिंग के लिए रोकी हुई है। बस यही सीन है मेरी केज में तो आजकल। और दोस्तों आप बताएं आपका शौक कैसा जा रहा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।